हो चुका, लोग सफर कर रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम, वाटर बोर्ड सिंध के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज का निजाम वाटर बोर्ड से मुंसलिक है। कराची में बहुत सारे ऐसे एरिया थे 3 दिन जहां पानी नहीं था। मारीपुर के इलाके से इतनी कंप्लेन आई हैं, वहां पानी का एक कतरा भी नहीं था 3 दिन। मैं वाटर बोर्ड को कॉल करता रहा, कंप्लेन करता रहा। आज भी सुबह मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो एक इलाका है जहां हमारे एहले तशी जहांगीर रोड बहुत तादाद में रहते हैं, उस इलाके में मैं खुद मौजूद था। वहां सीवरेज का पानी 2-2 फीट सड़कों पे मौजूद है रेजिडेंशियल एरिया में, बिकॉज ऑफ सीवरेज इशू। जब ये सारे इदारे आप बंदर बांट करेंगे, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके पास है, मास्टर प्लान किसके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल किसके पास है, केएमसी के फंक्शंस कुछ और हैं, उसमें भी इंटरफेरेंस है। जब तक ये पैरेलल मैनेजमेंट चलती रहेगी, कराची के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। मैं साहिब इक्तदार से रिक्वेस्ट करूंगा, कराची सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है, इसको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व किया जाए, इसको लेके बैठा जाए, ताकि हम अपने लोगों को, जिन लोगों ने इस आश्रय पे हमें वोट दिए कि हमारे मसले हल होंगे, इनके इश्यूज रिजॉल्व करें। हम मिनिस्टर साहब ने भी मेहनत की, जाहिर है वो भी चाहते होंगे मसले हल हों। अब मेरा एक सवाल है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है ये जो पूरे सिंध से पर्टेन करता। अब वजीर साहब का विजिट कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, व्हाट अबाउट लाड़काना, व्हाट अबाउट सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह, सेवन, उधर की अलाइशें कौन उठा रहा होगा? उधर की क्या पोजीशन है? आपके कैमरेज भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां आप पहुंच नहीं हो। मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं परफॉर्मेंस ऑफ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो मैनेज कर ही नहीं सकते। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें एक फाइनेंशियल इशू। मेरी वर्किंग के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने जो ऑफर्स उठाई हैं, उनको पर ऑफर जो खर्चा पड़ा है वो तकरीबन नेट 70 रुपए पर ऑफर पड़ा है, जिसमें डिस्पोजल है, ट्रेंचेस खुद गई हैं, उठा के डालना 70 रुपए पर ऑफर। जब मैं कैलकुलेट करता हूं ईस्ट साउथ वेस्ट और मलीर को, तो बकरे की ऑफर जो है वो 500 रुपए पड़ रही है और गाय की ऑफर जो है वो 1300 रुपए पड़ रही है डिस्पोजल पे, अगर मैं डॉलर्स सारे कैलकुलेट करूं जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दिए जाते हैं। बकरा 500 रुपए, 1300 रुपए गाय, जबकि 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोरंगी 70 रुपए में इन्होंने अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और तनकीद कर रहे थे सिंध हुकूमत के कुछ महकमों पर। पहले उनका कहना था कि वाटर बोर्ड सिंध के एक महकमे के अंडर है और सीवरेज का निजाम उससे जुड़ा हुआ है। कराची में ईद के 3 रोज कई इलाके ऐसे थे जहां पर पानी नहीं आ रहा था और वाटर बोर्ड की परफॉर्मेंस जो थी इंतहाई खराब थी। उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सिंध के मामलात को रिजॉल्व कर सकें। अब